आज मुझे यहाँ साइन स्टार स्कूल में आने का अवसर मिला, जिसमें वैसाखी और साथ में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्मदिन मनाया गया। बच्चों का उत्साह बहुत बढ़िया था और बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, और साथ में बच्चों ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जीवन के ऊपर भी एक भाषण और साथ में उसका पूरा चित्रण दिखाया गया, और बच्चों ने बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन के साथ भीमराव अम्बेडकर के बारे में, जीवन के बारे में और भारत के संविधान के बारे में बहुत अच्छे मतलब उत्तर दिए। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि बच्चों का जो ज्ञान है संविधान को लेकर के, भारत के संविधान को लेकर के, बहुत अव्वल था। और मैं बधाई देता हूँ यहाँ के स्टाफ को, यहाँ के प्रधानाचार्य को, जिन्होंने इतनी अच्छी शिक्षा दी है कि सभी बच्चों को भारत के संविधान की प्रस्तावना और साथ में मूल नागरिकों के कर्तव्य और नागरिकों के अधिकारों के बारे में अधिकतर बच्चों को जानकारी थी। मैं एक बार फिर सभी को बधाई देता हूँ। यहाँ के प्रधानाचार्य और साथ में इसके स्टाफ का एक एक्टिव पार्टिसिपेशन है, क्योंकि जब भी हम राष्ट्र जिला स्तर पर राष्ट्र पर्व मनाते हैं, इस स्कूल के कम से कम भी 200 से लेकर के 400 बच्चों तक भाग लेते हैं, जो कि वास्तव में इन ये सभी लोग बधाई के पात्र हैं। और प्रधानाचार्य विशेष तौर पे, क्योंकि इनके नेतृत्व में इस स्कूल ने एक शुरुआत से लेकर के आज ये जिले का सबसे बढ़िया CBSE का स्कूल के रूप में जाना जाता है। और यहाँ बच्चों के दाखिला में देख रहा था कि दाखिला लेने वालों की भी लाइन लगी हुई है, क्योंकि ये इनका कार्यशैली है जो बहुत बढ़िया है। और मैं चाहूँगा कि इसी तरह से काम करते रहें और एक क्षेत्र के बच्चों को सर्वांगीण विकास के साथ साथ शिक्षा में पारंगत करते रहें। हाँ, रिजल्ट भी आज बताया गया, क्योंकि पिछले साल बच्चों ने जिन्होंने यहाँ पर JEE में अच्छे रैंक प्राप्त किए, नीट का एग्जाम दिया या कॉमर्स में जो अच्छे रैंक लेकर के आए और अच्छे कॉलेजों में उनका दाखिला हुआ, उसके बारे में भी आज चर्चा की गई। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में भी इसी तरह से मेहनत करते रहें और अपने समाज का, अपने इस संस्था का, जाट संस्था का भी आगे हमेशा के लिए, जैसे मतलब आगे शुरू से ही रहा है, आगे बढ़ता रहे। आज हमारे साइनिंग स्टार स्कूल में बैसाखी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जन्मदिन पे एक उत्सव किया गया और बच्चों ने बड़े हौसले के साथ बढ़ चढ़ कर इसमें भाग लिया, बैसाखी के गाने गाए, डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन के बारे में बच्चों को बताया। और इसी मौके पर हमने बच्चों का जो वार्षिक पर एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन था एकेडमिक का, वो भी मनाया गया। इसमें बच्चों की बहुत अच्छी उपलब्धि थी, उन्होंने बहुत अच्छे नंबर लिए और विभिन्न प्रकार के जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम थे उनमें बढ़ चढ़ के हिस्से लिया और बहुत अच्छा प्रोग्राम मुझे लगा। कैसा देखते हो सर, कितना जरूरी मानते बच्चों कितना जरूरी मानते हैं? ये बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनके जीवन में एक योगदान देता है। और ऐसे फंक्शन मैं कहूँगा प्रिंसिपल साहब से कम साल में 3 बार तो हर क्वार्टर के बाद किए जाएं, इससे बच्चों का बहुत हौसला बढ़ता है, उनको आगे आने में एक बहुत मदद मिलती है, वो अपना जो भी उनमें हुनर है वो अपना प्रदर्शित कर सकते हैं और अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ जाते हैं ऐसे छोटे छोटे कार्यक्रमों से पार्टिसिपेशन के बाद। With the prize distribution ceremony, like with the academic session 23-24, we are summing this session. All the staff members have given their hard work to give the first position, second position, and third position students. Special thanks to all the staff members and all the complete society of our Jat High School Society. Now I would like to our DO sir, Shishir Singh Sirohi ji, please come on the stage and give the few words to our staff members, students and all the Baisakhi and Dr. Bhimrao Ambedkar Jayanti.